लॉकडाउन से त्रस्त किसानों ने अपनी सब्जी की फसल खिलाई मवेशियों को। कोरोना महामारी की मार से आम आदमी से लेकर व्यापारी और किसान तक पड़ रही है, इसके कई उदाहरण सामने आ रहे हैं। मरीज दवाओं के अभाव में दम तोड़ रहे हैं तो व्यापारी आर्थिक मंदी के मार को झेलते हुए बंद के कारण कर्ज में डूबते जा रहे हैं। वहीं किसान अपनी फसलों के भाव न मिलने के कारण अपनी सिंचित की हुई सब्जी की फसल को मवेशियों को खिला रहे हैं। समीपस्थ ग्राम केली में एक किसान संतोष ठाकुर ने अपनी एक एकड़ की जमीन में भिंडी की फसल लगाई थी, परंतु लॉकडाउन के चलते सब्जी का कोई खरीदार नहीं मिला। थोक भाव में 8 से 10 रुपए किलो भिंडी मांगे जाने पर आमदनी से ज्यादा खर्च देख किसान ने अपनी सब्जियों को मवेशियों को खिलाना ही उचित समझा। किसान ने बताया कि 3-4 दिन में 30 से 40 किलो भिंडी की फसल निकलती है, जिससे लाने और तोड़वाने को लेकर मजदूरी 300-400 होती है और बाजार में यही भाव से वह बिकती है। कैसे फसल लाकर बेचे, इससे तो अच्छा है कि हम अपनी मवेशियों को ही खिला दें। ये माल का भाव नहीं मिल रहा, इसलिए पशुओं को खिला दें। 8 से 10 रुपए किलो भी वसूल हो रही है। भिंडी तोड़ते हैं तो मजदूर उनको पैसे आते हैं, न खाद के पैसे आते, दवाई के आते, इसलिए अपन को नुकसान हो रहा है, इसलिए अपन ने भिंडी पशुओं को खिला दी। डिजियाना न्यूज़ निमाड़ रिपोर्ट सेगांव।